नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। राजस्थान के टोंक जिला मुख्यालय पर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच से निकलकर आयुष गौतम और ऋत्विक बजाज टोंक पहुंचे। ऑपरेशन गंगा के तहत दोनों स्टूडेंटों की वतन वापसी हुई है। दिल्ली से कार के जरिए देर रात दोनों अपने घर पहुंचे। परिजनों ने सकुशल वतन वापसी पर खुशी जताई। मिसाइल टैंक और धमाकों के बीच से आयुष गौतम और ऋत्विक बजाज अपनों के बीच आए। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से लेकर टोंक पहुंचने तक के समय को याद किया और दोनों छात्रों ने पुनर्जन्म से कम बात नहीं बताई। मौत के मंजर को दोनों याद भी नहीं करना चाहते। किन हालातों से गुजरकर अपने घर पहुंचे ऋत्विक बजाज और आयुष गौतम, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। कितने लंबा सफर आज पहुंचे हैं, किस तरीके का वतन वापसी के बाद कैसा महसूस हो रहा है, परिजनों से मिले, किस तरीके का माहौल लगा? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा सा लग रहा है। कंट्री जहाँ बाहर हो रहा था, एकदम से पीसफुल कंट्री में पहुंचे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, टेंशन कम हुई है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन, नींद नहीं आई 7 दिन से, खाना नहीं खाया। अब तो बेटर फील हुआ, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बहुत हेल्प की है रुकने में, तो उनके वजह से हम यहाँ पर हैं आज। सबसे ज़्यादा देखने को मिली यहाँ आने के बाद? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बहुत ज़्यादा हेल्प की दिल्ली में, हमें रुकने का बंदोबस्त किया, खाने का बंदोबस्त किया, फिर हमें छोड़ा यहाँ पर। तो उनकी ज़्यादा वहाँ जो हालात देखे उसको क्या कहें? वहाँ की हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर है, उसका कुछ कह नहीं सकते। आप भी देख रहे हो चीज़ें। पढ़ाई पर किसी के खतरा है? पढ़ाई पर खतरा तो है, ट्रांसफ़र लेना पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी भी कुछ डैमेज हुई है और आगे पता नहीं क्या हो सकता है, कितने दिन वार्ड चले कुछ पता नहीं उसका। कितने टाइम की पढ़ाई बाकी थी? मेरा 2 साल हो रहे हैं। मम्मी पापा से जब बात करते थे तो क्या करते थे यहाँ पर खाली? बस मम्मी पापा को तो ये समझा था पैनिक नहीं होना है, पैनिक होंगे तो मेरी हिम्मत टूटेगी, बस यही रहता था। तो कहाँ जाके अपने आप को सेफ महसूस किया? नीचे अंडरग्राउंड जहाँ मेट्रो स्टेशन होते हैं उधर, और जहाँ कॉलेज के नीचे जो अंडरग्राउंड एरिया होते हैं उधर, उस जगह भी हमें सेफ महसूस होता है। क्या आंखों से बम्बार्डमेंट होता हुआ देखा आपने आसपास? नहीं, 1-2 किलोमीटर के एरिया में वाइब्रेशन ज़रूर हुआ था, वो हमारे विनिस्सा एरिया में एक बार ही हुआ था, बाकी 2-3 जो बॉम्ब थे वो डिफ्यूज कर दिए गए थे। एयर रेड सायरन सुनाई देते? हाँ, सायरन रेगुलर 24 घंटे सायरन बजता था। बार बार बताई थी कि वहाँ के सैनिक रूड होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, 5वें 6वें दिन तो लाइक सिविलियंस को मारने लग गए थे, क्योंकि वो 18,000 राइफल्स उन्होंने सप्लाई कर दी थी सिविलियंस को, तो वो लूट मतलब उन्होंने लूट वगैरह करनी चालू कर दी थी अपने लोकल लोगों के साथ ही, तो खतरा बढ़ते जा रहा था। अगर ज़्यादा दिन और रुकते तो हम पता नहीं, जिंदा रहते भी नहीं रहते, कुछ पता नहीं। क्या आँखों में डर अभी भी है? हाँ, डर कह सकते हैं। अभी भी बच्चे फंसे हुए काफ़ी उधर। हाँ, कार गेम में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको निकालने की कोशिश चल रही है अभी भी। केंद्र सरकार की मदद मिली थी वहाँ? सरकार ने तो मदद की है, जब तो निकले हम, काफ़ी मदद रही है। क्या आपके आने का ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा वगैरह हुआ कहाँ? नहीं, खर्चा वगैरह कुछ नहीं हुआ, फ्लाइट सारी फ्री थी और जो भी ट्रांसपोर्ट था यहाँ तक वो सब फ्री था। घर तक पूरा ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिला? सब फ्री मिला। नहीं, ऐसा पापा बार बार कहते थे, जैसे कहते थे हिम्मत रखो, सबके साथ रहो। हाँ, क्या था वहाँ पे रहते थोड़ा लगता है ये डर, अब अभी सब सही है उससे थोड़ा। जब बॉर्डर पे आए तो वहाँ किस तरह के हालात मिले? बॉर्डर पे भगदड़ थी, वहाँ के लोग भी बॉर्डर पे, यूक्रेन वाले भी पहुँच गए थे, हम भी पहुँच गए थे, तो भीड़ लगी हुई थी, फिर वहाँ के लोग उन्हीं को प्रायोरिटी दे रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा डर का माहौल था, बट अभी सब सही है। वापस जाओगे? हाँ, अगर सब सही होगा तो जाएंगे, पढ़ाई करनी है पूरी। कैसा लगा यहाँ पर अपनों के बीच आकर? अच्छा महसूस हो रहा। अपनों के बीच तो पहुँचे, ये भी अपने हैं। अपने बच्चों को सामने देखकर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब से पता चला कि बच्चे यूक्रेन में युद्ध के कारण फंस गए हैं, तब से परिजनों का हाल बेहाल हो रहा था। लेकिन अब बच्चों को सामने देखकर ऋत्विक और आयुष के परिजन ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया। आइए सुनाते हैं परिजनों ने क्या कुछ कहा। बच्चे दिन को लेकर चिंतित थे, आप गाँव के बारे में बात करते थे, आयुष के पापा से आप लगातार बात कर रही थी? नहीं, अब तो जान में जान आ गई, क्योंकि अब तो जिस तरह से सब पाल पोस के बड़ा करा बच्चा और इतनी दूर जाके फंस गया, भाई अच्छे के लिए भेजा था हमने, तो हमने थोड़ा सोचा नहीं था ऐसी सिचुएशन वहाँ हो जाएगी। अब बच्चा आंखों के सामने आ गया, तो पहले अब इसकी जो भी इस हालत है उसको सुधारनी है, बाकी पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हमारे मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे PM का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे देश के सारे बच्चों को निकाला, और ऐसी गवर्नमेंट जो कि सबके लिए तत्पर प्राप्त रहती है, तो केंद्र सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि हमारे बच्चे सुकुशल घर में आ गए। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी हमारे बच्चों को सर्किट हाउस में ठहराया, वहाँ से यहाँ तक फ्री
घर तक छोड़ा, ये उनकी जिम्मेदारी उन्होंने ली उठाई, उसके लिए उनको भी थैंक्स। शक्ल देख के लग गया? नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर हो गया, बिल्कुल देखने में लग रहा है इसे, बिल्कुल बिल्कुल डल सा हो गया, बिल्कुल इसने 7-8 दिन से खाना भी नहीं खाया, इसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि ये उस पैनिक सिचुएशन से निकल के आया है। ये वहीं था, कीव से 200 किलोमीटर दूर विनिसा में था ये, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा था, उस सिचुएशन से निकल के आया है, तो अब इसको संभलने में बहुत टाइम लगेगा। थैंक यू। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंटों को बाहर निकाल लिया गया। टोंक जिले के 7 स्टूडेंट को लेकर जिला प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार के प्रयास रंग लाए। टोंक पहुंचे दोनों छात्रों के स्वागत के लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। तहसीलदार और BDO ने दोनों छात्रों का स्वागत किया। किस तरीके का प्रशासनिक मदद यहाँ पर रही बच्चों? जिस पेन से, जिस ये समय से गुजर के आए, उसकी तो कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, पर हाँ ये है कि अब जब ये यहाँ आ गए तो प्रशासन और सरकार की तरफ से जो हर संभव मदद होगी वो हम इनके लिए करने के लिए तत्पर हैं। क्या प्रोटोकॉल के तहत क्या कुछ उनका कुछ चेकअप किया जाएगा, किस तरीके का है अभी इस बारे में हम इनसे पेरेंट्स से बात करेंगे और जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्कआउट करेंगे। काउंसलिंग दी जाएगी इनको? थोड़े घबराए हुए हैं बच्चे? बिल्कुल ज़रूर से, जो जो इन बच्चों के अंदर अभी ज़रूरत है, जिन जिन चीज़ों की, उन सब चीज़ों पे जोर दिया जाएगा। जिला प्रमुख सरोज बंसल भी छात्रों के स्वागत के लिए पहुंची। सरोज बंसल ने दोनों छात्रों को मिठाई खिलाकर स्वागत किया और मोदी सरकार और गहलोत सरकार को धन्यवाद दिया। दो स्टूडेंटों की वतन वापसी के बाद अब जल्द ही जिले के 5 स्टूडेंट घर पहुँचेंगे। MBBS की पढ़ाई करने गए 6 टोंक जिले के 9 स्टूडेंट यूक्रेन गए थे। दो स्टूडेंट युद्ध शुरू होने से पहले ही निमाई पहुंच गए। दो स्टूडेंट देर रात टोंक पहुंचे, जब टोंक का फराज निवाई के शशांक और वेद प्रकाश के अलावा डोडा सराय सिंह का अजय शर्मा और देवली का योगेश गुर्जर भी जल्द ही अपनों के बीच होगा। संवाददाता PK शर्मा की रिपोर्ट।